ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञान तिमिरंध्रस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरोन्मीलितं येनास्मि श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो दामोदर, कार्तिक मास में आप सभी का गोवर्धन इको विलेज के वृंदावन फॉरेस्ट में स्वागत है। तो ये दामोदर के महीने में माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेम के बंधन में किस तरह बांधती है, उसका वर्णन दशम स्कंद भागवत के 9वें और 10वें अध्याय में हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण जो यशोदा माई के प्रेम को स्वीकार करते हैं और नंद और यशोदा माई जो कि ऐसे प्रेम के आश्रय हैं, उन्होंने अपने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से तप किए होंगे जिसके कारण उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। नंद हकीम अकरोत ब्रह्म श्रेय एव महोदया यशोदा च महाभाग पोस्यास्तनम हरे। कोई तो सौभाग्य उनको जो मिला वो कैसे प्राप्त हुआ। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, क्योंकि द्रोण और धरा जो पूर्व जन्म में थे उनके जीवन काल में इस प्रकार के कोई तप और साधना का कोई चिन्ह या वर्णन या प्रमाण नहीं मिल रहा था। तो किसी व्यक्ति के ऊपर बड़ी अति विशेष कृपा हो तो उस कृपा के पीछे मूल कारण क्या हो सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी उस समय यशोदा माई के इस शुद्ध वात्सल्य प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन करने लगे, क्योंकि उसके पिछले ही अध्याय में जो मृदभक्षण लीला थी उस मृदभक्षण लीला के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करके भी यशोदा माई का वात्सल्य भाव कम नहीं हुआ, है कि नहीं। तो प्रबुद्ध स्नेह कलिलम हृदय आसीत यथा पुरा, पहले जैसा ही वात्सल्य भाव उनके अंदर प्रकट हो गया। अर्थात चाहे कितना भी ऐश्वर्य का स्वरूप का दर्शन कराने का प्रयत्न किया जाए, यशोदा माई कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में ही मानने पर पूरी तरह बद्ध थी, कोई उनके उस संकल्प को नहीं हिला पा रहा। अथान्यतपि कृष्णस्य तोकाचरितम् अद्भुतम् मानुषम् लोकम् आसाद्य तत् जातिम् अनुरुन्धतम्। कृष्ण स्कंद में ही परीक्षित महाराज कहते हैं हम बाल लीला सुनना चाहते हैं। अथान्यतपि कृष्ण तोकाचरितम्, कृष्ण ने जो गोकुल में और वृंदावन में लीलाएं की, खासकर विशेष रूप से बालपन की लीला, मानुषम लोकम असाध्य तत् जातिम अनुरुन्धतः, एक ही जाति के लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। वराह वामन मत्स्य नरसिंह इत्यादि भगवान के रूप हैं, लेकिन मानव समाज के साथ इतना तालमेल नहीं रखते। तो मनुष्य अधिकांश गृहस्थ हैं, तो गृहस्थों के घर पर बच्चे और
वात्सल्य भाव के साथ उनका भरण पोषण रक्षण, उसमें जो सुख दुख है हर माता पिता को इसकी जानकारी है। तो जब यशोदा और नंद महाराज को भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्हीं सब चिंताओं में आनंद में उमड़ते हुए देखते हैं तो हर एक को लगता है कि भाई कृष्ण को भी हम अपने पुत्र के रूप में देख सकते हैं। मानुषम लोकम आसाध्य, इसलिए मानव समाज के लोगों को आकर्षित करने भगवान ये लीला कर रहे हैं। तत जातिम अनुरुंधत, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के तीन कारण बताए गए हैं भगवद गीता में, परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृताय धर्म संस्थापनार्थाय। तो ये सब सेकेंडरी रीजन है, प्रमुख कारण नहीं है, ये सब उपकारण है, प्रधान नहीं गौण है। प्रधान कारण क्या है? प्रधान कारण है अपने भक्तों को अपने लीलाओं के माध्यम से आकृष्ट करना अपने गुणों के प्रति। मद भक्तानाम विनोदत्तम करोमि विविध क्रिया, पद्म पुराण कहता है और कुंती महारानी कहती है तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम। तो भगवान इस भक्ति को सब लोगों के बीच प्रसारित करना चाहते हैं। और दशम स्कंद 33वें अध्याय में रासलीला के अंत में कहते हैं अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम देहम आस्थितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान ये रासलीला क्यों रचाए? अनुग्रहाय भक्तानाम, अनुग्रह से अपना आशीर्वाद मानव समाज पर देने। मानुषम देहम आश्रित, तो जैसे बालपन की लीलाओं में माता पिता आकर्षित होते हैं, यौवन संपन्न लीला में माधुर्य रस की लीलाओं में कई कामुक लोग आकर्षित हो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो भाई यहां भी स्कोप है। कृष्ण बड़े रसीले हैं, अद्भुत है उनकी लीला, तो वो समझ नहीं पाते भगवान जो कि आदर्श चरित्र वाले होने चाहिए वो ऐसे कैसे। तो फिर समझते समझते समय लग जाता है कि उनका देह सच्चिदानंद घन है, लेकिन तब तक ऑलरेडी माला शुरू कर दिया। तो भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा, तो ये सारे लीलाएं भगवान ने किस लिए प्रदर्शित की? इन लीलाओं को सुनकर तत्परो भवित, हम एक दिव्य स्तर पर आ सके। तो इस प्रकार यहां वर्णन किया गया है। तो ये वर्णन किया गया है कि भगवान जब इस मानव रूप में आते हैं, मानुषम देहम आश्रितम, तो उस मानव रूप में वो दिखते हैं मानव की भांति। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अति मर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुष। कपट मानुष है, इंपॉर्टेंट है। मानुष मतलब लगता है मनुष्य है लेकिन कपट कर रहे हैं, वो है नहीं, कपट मानुष। दिखने में मनुष्य है और ऐसा लगेगा कि कितने कोमल हैं, लेकिन जिन असुरों को मारा उनको पूछो कैसा लगा कृष्ण का झापड़, कैसा लगा कृष्ण का स्पर्श। दिखने में लगेगा कितने कोमल हैं, नवनीत की तरह कोमल। और विनाशाय च दुष्कृताम करने जाओ तो नवनीत की तरह कोमल उंगलियां भी भगवान की वज्र की तरह डंक मार देती हैं।
और बेचारा बिना विचार किए बिना कुछ चीत्कार मचाए वहीं पे नष्ट हो जाता है। तो इसलिए जब ये मनुष्य का रूप धारण करके या मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, ऐसा लगता है वो मानव है, लेकिन वो मानव नहीं, दिव्य है। लेकिन फिर भी अगर दिव्य है और निरंतर दिव्यता ही प्रदर्शित करते रहेंगे तो भी जो श्रोतागण हैं उनको उनके साथ तालमेल नहीं बैठेगा, उनको लगा ये तो अलग ही है, कोई सुपरमैन घूम रहा है। तो इसलिए हर मानव के अंदर 18 फॉल्ट्स या कमियां रामायण में वर्णन आया है। तो ये 18 जितने भी फॉल्ट्स हैं जिसका वर्णन आया है उसको ये प्रकट करते हैं। केवल एक्टिंग करते हुए, जिससे कि भाव बना रहे, मूड बना रहे। तो व्हाट आर दीज 18 प्रिंसिपल फॉल्ट्स? फर्स्ट, इल्यूजन, मोह। दूसरा, लेजीनेस, आलस। तीसरा, एरर, गलती। लाइक नहीं, बहुत लोग खुश लग रहे हैं, ये अपनी लीला हो रही है। चौथा, क्रुएल्टी, क्रूरता। फिर पांचवा, इंटेंस लस्ट, घनघोर काम। छठा, फिकलनेस, चंचलता। सातवां, एरोगेंस, दंभ। आठवां, एनवी, द्वेष। नवा, वायलेंस, हिंसा। दसवां, सौरो, शोक। ग्यारहवां, फटीग, थकान। कथा बहुत लंबी चल गई। हाय सोला मला। जान निकल गई। कितना हो गया? फिर 12, डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी जो असत्य, एंगर, क्रोध, लॉन्गिंग, महत्वाकांक्षा, फियर, भय, कंफ्यूजन, भ्रमित हो जाना, पार्शियलिटी, पक्षपात करने की टेंडेंसी, और डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, दूसरों पर हमेशा आश्रित रहना। ये 18 क्या है? दोष है, बाय डिजाइन ही है वो, इसलिए हम लोग को अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें भी हम श्रेय नहीं ले सकते कि मैंने इसका दोष देख लिया, क्योंकि तुमने नहीं भरा है वो दोष, वो ब्रह्मा जी ने डिजाइन करके डाला है कि नहीं। तो अगर कॉन्टेस्ट करना है तो दोष ढूंढने का नहीं, गुण ढूंढने का करना चाहिए। तो राम और कृष्ण भी जब लीला करते हैं तो इनमें से कई जो दोष हैं उसको प्रकट करते हैं, जिससे कि सबको लगे कि ये भी हमारे जैसे ही है। तो इसलिए इसको कहते हैं लीला। अपूर्णस्य निज पूर्तार्थे चेष्टाः इति कर्म। कर्म का अर्थ क्या होता है?
जो अपूर्ण व्यक्ति है उसको अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कुछ चेष्टा करनी पड़ेगी, उसको कर्म कहते हैं, है कि नहीं। भूख लगी है और खाना खाना हो तो कुछ चेष्टा करनी पड़ेगी, भोजन बनाना होगा। केवल बैठे बैठे सोचो पेट भर जाए तो अपने आप नहीं होगा, भोजन का थाली सामने भी आ जाए फिर भी चेष्टा करनी होगी, हाथ हिलाना पड़ेगा, मुंह हिलाना पड़ेगा, बिना चेष्टा के अपन कुछ नहीं कर सकते। तो लीला अर्थात भगवान को कोई चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनका सब कुछ स्वतोचालित है, स्वयं सिद्ध है। तो इस प्रकार उनके इन लीलाओं के अमृत को पान करने और इसे अपने हृदय के अंदर बिठाने के लिए आचार्यों से श्रवण करना पड़ेगा, तब जाकर सारे द्वंद्व नष्ट होते हैं, संशय का समाधान होता है, फिर ये स्पष्ट होता है कि वो गुण जो हमें अवगुण के रूप में दिखते हैं, जो कि भगवत्ता की योग्यता को हो सकता है तिरोहित करे, वास्तव में वो महान सद्गुण है जो उनकी महत्ता को और वर्धन कर रहे हैं। So those qualities that seem to disqualify the Lord as God, they are wonderful qualities that enhance his greatness. तो इसलिए कृष्ण का नाम क्या है, आकर्षयति इति कृष्ण, सर्व आकर्षक। ब्रह्मा जी के 50 गुण, शिव जी के 55, नारायण के 60 और कृष्ण के लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्यो माधुर्यम वेणु रूपयोः इति असाधारणम प्रोक्तम गोविंदश्च चतुष्टयम्। ये चार अधिक क्या, रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी, और विशेष रूप से कृष्ण का सौंदर्य, आत्म पर्यंत सर्वचित्त हरि, भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य सभी को आकर्षित करता है, कृष्ण को भी स्वयं आकर्षित करता है। दर्शनम नो दिदृक्षु नाम देहि भगवत अर्चितम् रूपम प्रियतमम स्वानाम सर्वे इंद्रिय गुणांजन, सभी इंद्रियों के लिए अंजन है कृष्ण का सौंदर्य। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य ब्रह धातु प्रबाल नटवेश अनुप्रतांशे विन्यस्त हस्त इतरेण गुणानम अपचन, भगवान श्री कृष्ण जब बलराम जी के साथ खड़े हुए, ब्राह्मण पत्नी आती है उनका दर्शन करती है, कृष्ण का सुंदर श्यामल त्रिभंग स्वरूप इसमें पीतांबर धारण किए हुए, गले पर वनमाला लटकाते हुए और अपने हस्त कमल में एक सुंदर पुष्प को घुमा रहे हैं और सारे ब्राह्मण पत्नियों के चित्त को हर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य और उनकी लीला को दाम बंधन लीला में सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया। इसमें भगवान श्री कृष्ण के गुण और उनके सौंदर्य दोनों का विस्तृत वर्णन है। तो दामोदर लीला सुनाई गई नंद महाराज और यशोदा माई के भक्ति की महिमा का वर्णन करने, ये मूल कारण है, टू एक्सटॉल द ग्लोरीज ऑफ भक्ति ऑफ नंद महाराज एंड यशोदा। नेमं विरिंचो न भवो न श्रीर अपि अंग संश्रयाः प्रसादे लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप्त विमुक्तिदात। कृष्ण ने अपने पुत्र, अपने पौत्र, अपनी पत्नी को भी इतना अवसर नहीं दिया जितना उन्होंने यशोदा माई को दिया, है कि नहीं।
तो इसलिए नंद महाराज के प्रति और यशोदा माई के प्रति उनका जो भाव था वो अति विशिष्ट था। तो कृष्ण भक्ति देवी के वशीभूत हो जाते हैं और नंद महाराज और यशोदा माई ऐसी भक्ति को अपनाते हैं। तो दशम स्कंद के आठवें अध्याय के अंत में उन्होंने इस बात को वर्णन किया था, लेकिन परीक्षित महाराज पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि महाराज परीक्षित भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जो अगले तीन दिन में आते हुए विषधर भुजंग के डंक से घबरा जाए, मृत्यु से घबरा जाए और भ्रमित होकर अपनी जान बचाने का ही विचार करते रहे। उनके लिए तो कृष्ण और कृष्ण की भक्ति और कृष्ण की लीला ही जीवन थी, तो उनके दृष्टिकोण से तो उनको अमृत जीवन प्राप्त हो ही गया था सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से कथा का श्रवण करते हुए। तस्मात् नाम्ना विष्णुराट इति लोके भविष्यति, न संदेहो महाभाग महाभागवतो। ये महाभागवत के लक्षण है, वो अपने शरीर के नाश से नहीं डरते, अपने मन के विचारों के नाश से घबराते। तमोपयंतम प्रत्यंत विप्रागंगा च देवी दुर्जितमीशे द्विजोपसृष्ट कुहकस् तक्षको वा दशत्वरं गायति विष्णु। तो ललकार रहे, आ जाओ तक्षक, दस लो क्या करोगे, मृत्यु तो होनी है, उसके उसका डर नहीं मुझे। मृत्यु के समय जो दर्द होने वाला है, वो वेदना होने वाली है, उसका उसकी घबराहट नहीं मुझे। मन में एक ही शंका है कि मृत्यु के समय कहीं श्री कृष्ण की सेवा का विचार मन से स्खलित न हो जाए। दशत्वलम गायत विष्णु, हे सुखदेव गोस्वामी आप ये लीला सुनाते चले जाइए। दशम स्कंद में भी कह रहे हैं आरंभ में, तो दाम बंधन लीला में परीक्षित महाराज पूर्णतः संतुष्ट हो गए कि भगवान अपने भक्तों के वशीभूत किस प्रकार हो जाते। भगवान भक्त वत्सल है वो सुना था, लेकिन किस हद तक, किस सीमा तक वो भक्त वत्सल बन सकते हैं और अपने भक्तों के नियंत्रण में आ सकते हैं और असमोर्ध्व असीमित मात्रा में वो भक्त को संतोष दे सकते हैं, तो किस हद तक भगवान भक्त के वशीभूत हो सकते हैं और आदान प्रदान के रूप में किस हद तक वो भक्तों को असीमित मात्रा में आनंद दे सकते हैं। तो इस आदान प्रदान का वर्णन हुआ है। तो विश्वनाथ चौधरी ठाकुर वर्णन करते हैं कि हे प्रभो, आप उन जीवों को बांध कर रखते हैं जो चोरी करें, क्रोध का प्रकटीकरण करें और विभिन्न प्रकार के तामसी गुणों को व्यक्त करें, और आप उनको प्रताड़न करते हो, नरक इत्यादि भेजते हो, उनको रुलाते हो। दुष्टों का रुलाना आपका कार्य है, लेकिन अब आप स्वयं एक चोर बनकर क्रोध से भरपूर यशोदा माई के द्वारा बंधे गए हो और स्वयं रो रहे हो। तो इस प्रकार इस दामोदर लीला की टीका करने के पहले चक्रवर्ती पाद दामोदर भगवान का स्मरण करते हुए उनको ये व्यक्त करते हैं। तो दामोदर लीला में आरंभ के इस श्लोक में वर्णन आता है, नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले व्रजमानं
यशोदा भियो लोकलाघवमानम् परामृष्टमात्यन्ततो द्रुत्य गोप्या। तो ये मूल श्लोक है। इस मूल श्लोक में भगवान के पद को वर्णन किया गया है, उनका रूप, उनका माधुर्य, उनकी लीला, ये सब वर्णन किया गया है। तो नमामि अर्थात ऑस्पिशियस इन्वोकेशन, मंगलाचरण, तत्व, प्रेम, रूप, गुण, सौंदर्य, परिवार इत्यादि वर्णन करने के पहले जिस व्यक्ति का स्तुति होने वाला है उसको प्रणाम किया जा रहा है। तो कोई सामान्य व्यक्ति इन लीलाओं को सुनते हुए ये सोचे कि अरे हमारे घर पे भी मुन्ना ऐसे ही करता है, तो उसके पहले कह रहे भैया वो तत्व अलग है, ये तत्व ही अलग है, इसलिए दोनों का दोनों की तुलना नहीं कर सकते। इसलिए क्या कह रहे हैं कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके स्रोत हैं, और इसीलिए इनके साथ हम तुलना नहीं कर सकते। तो नमामि अर्थात हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। और कहा गया है कि कोई भी महान कार्य आरंभ करने के पूर्व जो वैष्णव भक्तगण होते हैं वो भगवान को प्रणाम करते हैं। अब भगवान की लीला का विस्तृत 8 श्लोकों में वर्णन होने वाला है, उसके पहले प्रणाम कर रहे हैं मंगलाचरण के। फिर तत्व विशेष, तत्व विशेष क्या है? ईश्वरम। ये कौन है? ईश्वरम है, ईश्वर अर्थात सभी के नियंत्रक। तो कोई कहेगा हम भी ईश्वर हैं, हम भी अपने अपने कार्य क्षेत्र के ऊपर स्वामी हैं, हमारे सामने भी लोग झुकते हैं, तो ये कैसे ईश्वर हैं? सच्चिद आनंद। हाँ, तो ये ईश्वर सामान्य नहीं है। तो यहां ईश्वर के 3 लक्षण बताए गए हैं। सबसे पहले सर्वशक्तिमंता, सारी शक्तियां उनके अंदर उपस्थित हैं। ईश्वर का दूसरा लक्षण क्या है? जगते का नाथ, जगत के एकमात्र नाथ है, पालन करने वाले, और निज प्रभु, उनके ऊपर अन्य कोई व्यक्ति सत्ता नहीं जमा सकता। तो इसलिए भगवान दामोदर की कृपा को स्वीकार करने और भगवान दामोदर से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई मैं ये श्लोक लिख सकूं, ये अष्टकम मैं आपकी कृपा से प्रस्तुत कर सकूं और आपकी स्तुति कर सकूं, अन्यथा आप तो असीमित हैं। कोई सामान्य व्यक्ति अपने सीमित शब्दकोश से आपकी क्या स्तुति करेगा? प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, ब्रह्मा देव सुरगणा मुनिहुत सिंधा सत्वैकता नवजसाम वजसाम प्रवाही नाराधनाय ही भवंती परस्य पुंसो भक्त्या ततोषु भगवान। तो प्रभु आपके कौन स्तुति कर सकता है? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रभु आप हमें शक्ति दीजिए जिससे हम आपकी स्तुति कर सकें, इसलिए नमामि ईश्वर, प्लीज एम्पावर मी टू ग्लोरीफाई यू, टू ऑफर दिस। तो ईश्वर के क्या लक्षण होते हैं? ईश्वर के 2 लक्षण होते हैं। ईश्वर का मूल लक्षण, मुख्य, इस सच्चिदानंद, सत्चित आनंद। तो यह हो गया रूप विशेष।
नमामीश्वरम, कैसे ईश्वर है? सच्चिदानंद रूपम। तो तत्व के बाद अभी आ गया रूप विशेष, तो इसमें मुख्य रूप है सच्चिदानंद, सुप्रीम, इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस, सच्चित आनंद। और गौण लक्षण है सौंदर्य, शक्ति इत्यादि। तो इसलिए नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम, लेकिन आपके कानों में क्या है? कुंडल। तो अब उनकी सौंदर्य का गौण वर्णन है, गौण गौण सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसलिए दूसरे स्कंद भागवत में जब उद्धव जी भगवान की स्तुति करते हैं, यन्मर्त्य लीलोपैकुं स्वयोग मायाबलं दर्शयता गृहीत विस्मापनं स्वस्य च सौभगार्धे परम पदं भूषण भूषणम्। विस्मापनं, विस्मित हो जाते हैं, स्वस्य च स्वयं भगवान विस्मापनम स्वस्य च सौभगार्दे, अपने सौंदर्य के इतने सौभाग्य को देखकर वो विस्मित हो जाते। परम पदम भूषण भूषणम, तो भगवान का सौंदर्य और भगवान का अंग प्रत्यंग इतने सुंदर आकर्षक आभूषणों से सुसज्जित है कि भगवान स्वयं भी उससे आकर्षित हो जाते हैं। और आभूषण प्रत्येक अंग के सौंदर्य का वर्धन करने के लिए बनाया गया है, लेकिन भगवान के अंग प्रत्यंग इतने सौंदर्यशाली हैं कि उन अंगों के संपर्क में आकर वो आभूषण और सुंदर लगने लगते हैं। कोई कान का कुंडल धारण करे तो कहेगा, अरे तुम्हारे कर्ण कितने सुंदर लग रहे हैं उस कुंडल के कारण। लेकिन भगवान के कान में जो कुंडल थे उनको देखकर कुंडल को लोग कहते थे, कह रहे आप कितने सुंदर लग रहे हो भगवान के कान को स्वीकार करके। तो इसलिए इसको कहते हैं परम पदम भूषण भूषणांगम। दूसरा परिवार विशेष, तीसरा तत्व विशेष ईश्वरम, रूप विशेष सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम, परिवार विशेष गोकुले ब्रजमान, है कि नहीं? तो गोकुल नंद किम, अब अपने उसमें कहा गया कि अहो भाग्यम नंद गोप प्रजो को साम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। ब्रह्मा जी के ब्रजवासियों का इतना प्रेम कृष्ण के प्रति कि सभी को लगता था कृष्ण हमारे ही परिवार के सदस्य। कृष्ण को आत्मसात करना, स्वीकार करना, यही भक्ति का मूल लक्षण है। तो गोकुले ब्रजमानम, कृष्ण चारों तरफ घिरे हुए थे अपने निकट के पारिवारिक सदस्यों से। पारिवारिक सदस्य कौन? सभी गोकुलवासी। तो लीला विशेष यशोदा भियोलोक लाव धावमानम, तो यशोदा माई का वर्णन करते हुए, यशोदा भीवा अर्थात यशोदा माई के भय से भाग रहे हैं कृष्ण। धावमानम कहां से? उलूखलात, यशोदा भियाओ उलूखलात धाव मानम, क्योंकि वो घबरा रहे हैं कि हमें यहां पर इस उखल से यशोदा माई बांध देगी। पर वो भी पीछे पीछे भाग रही है अत्यंत तो द्रुत्य, वो भी अपने प्रयत्न में कोई कम नहीं, वो भी केवल एक माला करके थकने वाली नहीं। जब तक
मन में बंधेंगे नहीं, वो माला करती ही रहेगी, बांध कर ही छोड़ेगी, चाहे कितना भी समय लग जाए। अर्थात उसको पता है कि केवल एक दिन 16 माला करने से कुछ नहीं होगा, जीवन भर परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर बंधेंगे। तो इसलिए अत्यंत तो द्रुत्य माला करने बैठो तो लगता है कृष्ण भाग रहे हैं, कृष्ण को भागते हुए देख के हम लोग क्या करते हैं, तकिया लगा देते हैं। कृष्ण भागे, हमारे मन से दूर चलेगा, ठीक है चलेगा, अब हम आराम से सो जाएंगे। लेकिन यशोदा माई बोल रहे ऐसा मत करो, वो भागे तो छोड़ो मत, तुम भी भागो, माला लेके भागो, करते रहो, है कि नहीं। तो इसलिए ये प्रयत्न नहीं छोड़ना है, सौंदर्य विशेष परामृष्टम, यशोदामाय का सौंदर्य भी बड़ा आकर्षक था। परामृष्टम, पीछे से उसने पकड़ लिया उसको, और कृष्ण का भी यशोदा माई के प्रति प्रेम को ये परिचय देता है कि कृष्ण ने अपने आप को पकड़ने का अवसर दिया, अनुमति दी, अर्थात कृष्ण संतुष्ट हुए। तो यहां पर यशोदा माई का स्नेह विशेष भी वर्णन है। एकदा गृह दाशिशु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत्र स्वयं दधि, यानि यानि ह गीतानि तत्बाल चरितानि च, दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि अगायत। एकदा, एक दिन, कौन सा दिन था? दीपावली का। यशोदा अर्थात जो यश प्रदान करे कृष्ण, किसको? कृष्ण को। कृष्ण को उन्होंने क्या यश दिया? कृष्ण सदा के लिए भक्त वत्सल के रूप में प्रसिद्ध हो गए। कृष्ण कैसे प्रेम के द्वारा बंध जाते हैं, इसको प्रमाणित किया। तो नंद गेहिनी अर्थात नंद महाराज की भी श्रेष्ठता इसमें वर्णन है कि चलो भाई, यशोदा माई नंद की अर्धांगिनी है। ये लीला कहां हुई, कहां हुई और कैसे हुई, कब और कहां, द अर्थात समय, यदा कोई समय, कदा किस कुछ समय, सदा हर समय। तो द का अर्थ होता है समय, यदा किसी समय, एट सम टाइम, कदा किस समय, विच टाइम, सदा हर समय। एकदा, एक दिन, दिवाली के दिन, गोवर्धन पूजा के एक दिन पूर्व। तो गोकुल महावन में कृष्ण वहां 3 वर्ष 4 महीने के लिए रहे। गोकुल में कितने समय रहे? 3 वर्ष 4, है कि नहीं। और उसके पश्चात वो शातिकारा में आए, वृंदावन में, फिर गए नंदगांव। तो मनुष्य लोग भी अपना बसेरा बदलते हैं, कभी यहां 2 BHK, कभी कहां चले जाते 3 BHK, कभी यहां वहां, घर बदलना तो लीला ही। तो वैसे ही भगवान कह रहे, अरे हम भी 11 वर्ष में 3 बार घर बदले भैया। तो उस समय गोवर्धन पूजा अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था, तो
तो यशोदा माई उस समय जो बना रही थी वो सब किसके लिए था? इंद्र पूजा के। तो भगवान तो नन्हे से शिशु के रूप में भाग रहे थे, लौट रहे थे, देख रहे थे, लेकिन सब नोट कर रहे थे, इंद्र बहुत मलाई खा रहा है। एक दिन सारा पचा डालूंगा। देख रहे थे वो सब। यशोदा माई उठी और फिर देखा कि कृष्ण सो गए, तो अपने घर के कार्यों में लग गई। अब रोहिणी बलराम जी उपानंद के घर पर गए थे उनके विशेष निमंत्रण पर। रोहिणी और बलराम जी कहाँ गए थे? उपानंद, नंद महाराज के भाई, तो वो लोग वहां पर नहीं थे। निर्ममंथ स्वयं, तो यशोदा माई स्वयं क्यों मंथन कर रही थी? यशोदा माई के मन में कृष्ण के प्रति बड़ा अधिक प्रेम था। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि कोई दासी कृष्ण के लिए मंथन करे, नवनीत। फिर उनको लगा कि मैं अपने हाथ से मंथन करके जो नवनीत उनको खिलाऊंगी, उसके बाद वो यहां वहां जाकर नवनीत चुराने की लीला समाप्त कर देंगे। फिर उनको लगा कि मैं ये नवनीत को तैयार करके भगवान नारायण को समर्पित करूंगी और नारायण का प्रसाद उनको खिलाऊंगी। और प्रातःकालीन अरुणोदय की वेला में वो क्यों कर रही थी? क्योंकि उनको लगा कि यही समय कृष्ण शांत सो रहे होंगे और मैं अपना सारा कार्य कर सकती हूँ। और गृहस्थी में लोग इस तरह प्लानिंग करते हैं कि भाई बच्चा सोया हुआ है तभी कर लो ये सब काम, नहीं तो फिर वो उठेगा तो ये करना, ये सब यशोदा माई भी वैसे ही कर रही थी। तो कृष्ण गोपियों के घर में जाकर नवनीत चुराते थे, क्योंकि जो सामान्य दूध और नवनीत उनको पसंद नहीं आता। तो नंद महाराज के कितने गाय थे? 9 लाख। उसमें 7 या 8 विशेष गायें थीं, जो कि बहुत ही दुर्लभ थीं। उनकी विशेषता क्या थी इन 8 गायों की? एक कान उनका काला था, पद्मगंधा घास वो खाते थे और ऐसा दूध देते थे जो कि सुगंधित होता, और उससे फिर यशोदा माई कृष्ण के लिए सब कुछ बनाते थे और स्वयं वो उसे अपने हाथों से मंथन करती थी यशोदा माई। और वो विचार करती थी, वो दासियां जो दूध उबालते समय दूध को जला देती हैं, वो इसको कैसे कर सकती हैं? हम खुद करेंगे, स्वयं करेंगे। तो उनके अंदर एक हठ था। कौन सा हठ? वात्सल्य प्रेम से प्रेरित हठ, हम स्वयं करेंगे। तो इसलिए भक्ति मतलब थोड़ा हट्टी, बिना हट के भक्ति नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग थोड़ा हटके हैं। और इसलिए इतने बड़े वैश्विक समाज भक्तों का जो हट करके रखे हैं कि हम पाप नहीं करेंगे, नियम पालन करेंगे, सेवा करेंगे, व्रत करेंगे, एकादशी करेंगे, निर्जला करेंगे, बिना हट के थोड़ी हो सकता है। तो इतने हट्टी जब लोग हैं भक्ति के लिए, माया से दूर होने के लिए, तो उन लोगों को संभालना भी इतना आसान नहीं है। तो ये सब विचार करके ही इस्कॉन के मैनेजमेंट में घुसना चाहिए।
क्योंकि बिना वो हटके वो कर ही नहीं सकते, पूरी दुनिया तो माया को आलिंगन करती हुई भाग रही है कि नहीं। नरक का एक्सप्रेस फुल हाउस चल रहा है, लोग लो लटके हुए हैं, जैसे लोकल ट्रेन में बैठते हैं ना, ऊपर नीचे साइड में बाहर निकले हुए, वो नरक का एक्सप्रेस वैसा है, ओवरफुल। गोलो की गाड़ी खाली है, कोई है ही नहीं, लाख सीट है, 5 आदमी बैठे हैं। तो इसलिए लोग कम है इसमें, लेकिन हट्टी है। तो वो जो हट है वो नहीं हो तो वो नियम भी पालन नहीं कर सकते, व्रत भी नहीं कर सकते, इस प्रकार की साधना भी नहीं कर सकते। तो वो हट के कारण कई बार उनके विचारों की दिशा को बदलने के लिए भी थोड़ा समय लगता है, इसलिए थोड़ा धैर्य चाहिए। तो इसलिए तुरंत भक्तों को अपन अगर वो कुछ मना करे या कुछ कुछ देर हो जाए उनके कुछ करने में या मानने में, तो उनको पकड़ के पटक नहीं सकती कि मानता है कि नहीं। बोले यार वो है ही पहले से हट्टी, तो ब्रेक लगाने की आदत है उसको, तो थोड़ा और एक्स्ट्रा थोड़ा धैर्य चाहिए उनको समझाने के लिए, बुझाने के लिए। तो फिर इसलिए यशोदा माई भी, बाकी सब लोग बोल रहे अरे हम लोग कर लेंगे ये कृष्ण के लिए, हम लोग बना लेंगे, आप क्यों कष्ट हो, नहीं हम ही करेंगे, है कि नहीं। तो वो इस निष्कर्ष पर आई कि वो अन्य ठीक प्रकार से ये सेवा नहीं कर सकते, और भगवान के लिए नवनीत दूध इत्यादि मैं ही बनाऊंगी। ओके, तो यशोदा माई का जो मंथन था, जिस दही का वो मंथन कर रही थी, वो अन्य सभी दही से श्रेष्ठ था। पहला, वो नारायण को भोग लगाना चाह रही थी अपने पुत्र के संरक्षण के लिए, और फिर वो कृष्ण को देना चाह रही थी उनके स्वीकृति के लिए। तीसरा, वो पूरे आत्मविश्वास के साथ मंथन कर रही थी कि ये नवनीत को स्वीकार करके मेरा पुत्र पूरी तरह सुधर जाएगा, है कि नहीं। अन्यथा असंभव था कि यशोदा माई इतना प्रयास क्यों करती, जिसके घर पर हजारों दासियां हो वो स्वयं क्यों प्रयत्न करें। निर्ममंत स्वयं, तो इसलिए यहां पर यह श्लोक का वर्णन आ रहा है, एकदा गृह दासीशु यशोदानंदी कर्मानंतर नियुक्तासु कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि, स्वयं कर रही थी। तो गृह दासीशु कर्मांतर नियुक्तासु अर्थात बाकी अन्य दासियां किसमें लगी थी, इंद्र पूजा की तैयारी में। यशोदा माई स्वयं लगी थी कृष्ण के लिए, इंद्र के लिए जो पकवान बनाने थे, जो इंद्र पूजा के लिए, वो सब आउटसोर्स कर दिया, लेकिन कृष्ण के लिए स्वयं करे। तो कौन सी सेवा खुद करनी है, कौन सा आउटसोर्स करना है, इसका थोड़ा विचार करना है। 16 माला आउटसोर्स मत कर देना। थोड़ा मेरे लिए फास्टिंग कर देता हूँ, मैं थोड़ा गोविंद दास में जा रहा हूं। कर्मांतर नियुक्त आसु, बाकी सब लोग लगे हुए थे निर्ममंत स्वयं। तो इसलिए इंद्र पूजा की तैयारी यहां पर चल रही थी। अच्छा, यानी यानी हूं गीतानी तद बाल चरितानी, तो
मंथन करते समय वो निरंतर गीत गा रही थी। तो वैदिक सभ्यता में अगर किसी बात को स्मरण करना हो तो उसे गीत के रूप में बद्ध करके लोग उसे गाते थे। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को वो क्षण भर के लिए विस्मरण नहीं करना चाहती थी। उनको भय था कि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण मेरे मन के पर्दे से तिरोहित हो जाएगा, इसलिए वो निरंतर स्मरण करते हुए गा रही थी। तो इसलिए श्री कृष्ण के पूतना वध, अघासुर वध, शकटासुर वध, तृणावर्त वध इत्यादि सभी लीलाओं को उन्होंने कविताबद्ध कर दिया था और फिर वो उसको स्मरण करते थे, उसको गान करती थी जब वो दधि मंथन करते समय। तो अगर किसी को 24 घंटे किसी कृष्ण भावना भावित रहना है तो इस प्रकार यशोदा माई के पद चिन्हों में निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए गीत गा सकते हैं। तो दो प्रकार के गीत वो गाती थी जो पूर्व आचार्य और महान वैष्णवों ने तैयार किए हुए कई भगवान को स्मरण करते हुए गीत, और दूसरे वो उसी समय ऑन द स्पॉट तत्काल कृष्ण की जो उन्होंने लीला स्वयं देखी उनकी वो स्मरण करने लगी। तो वो कृष्ण की इस प्रकार कीर्तन क्यों कर रही थी? वो कृष्ण के दर्शन करने की अपनी लालसा को शमन कर रही थी, टू पैसिफाई हर लॉन्गिंग टू सी कृष्ण। कृष्ण कहाँ थे? दूसरे कमरे में। क्या कर रहे थे? सो रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के अभाव में वो अपने कीर्तन के प्रभाव से उस अभाव को दूर कर रही थी। स्मरण करते हुए, उस गीत को गाते हुए लीलाओं को व्यक्त कर रही थी। तो कह रही थी, आपके लीलाओं को देखकर नेत्र प्रफुल्लित हो जाते हैं। आपने पूतना, शकटासुर, तृणावर्त इत्यादि का वध किया, ब्रह्मांड का दर्शन कराया। आपके सुंदर सुंदर नृत्य और क्रीड़ा इत्यादि को देखकर और गोवत्स के पूंछ को पकड़कर जब आप ब्रजरज में घसीटे जाते और ब्रजवासियों के साथ कलह करना इत्यादि, ये सभी मुझे बड़ा आनंद देता है। हे कृष्ण, आप निरंतर घर पे ही रहो, शीघ्र ये नवनीत खाकर आप बड़े हो जाओ, शक्तिशाली हो जाओ और आपको कभी बुढ़ापा और मृत्यु ना आए। इस प्रकार आशीर्वचनों के साथ वो गीत गाती थी यशोदा माई। तब आप कोई गीत गाए तो साथ में मृदंग और करताल तो होना चाहिए। तो यशोदा माई के जो कान के कुंडल, हाथ के कंगन और जो उनके कटिस्थल पर आभूषण, वो हिलता हुआ करताल का कार्य करता था, झनकार। और जो अपने हाथ में वो मंथन कर रही थी, वो मंथनी मृदंग की ध्वनि निकाल रहा था, कड़क 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 कड़क, कीर्तन के साथ साथ ऐसा मृदंग का आवाज आ रहा था, ताल बज रहा था। तो यशोदा माई को असिस्ट कर रहे थे सभी। तो अब यशोदा माई के सौंदर्य का यहां पर सुंदर वर्णन आ रहा है। और कैसे यशोदा माई भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार संतुष्ट करने का प्रयत्न कर रही है। तब कृष्ण उठते हैं, यशोदा माई के निकट आते हैं और अपने हाथ से उसको रोकते हैं। मंथन क्यों कर रही है?
सारे शास्त्रों का सार यहाँ आपके सामने खड़ा है, तो फिर इतने पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो कृष्ण ने उसको रोक दिया और फिर कृष्ण स्वयं स्तनपान करने लगे, तब दूध उत्पन्न कर ऊपर आने लगा। यशोदा माई कृष्ण को बगल में रख के भागी, क्योंकि यशोदा माई के मन में विचार था क्या करूं, इतना बहुमूल्य ये दूध है, 7-8 गायों का पद्मगंधा दूध, एक बूंद भी अगर नीचे गिर जाए कितना बड़ा लॉस है, क्षति है। तो भागी भागी गई कृष्ण के लिए, कृष्ण को छोड़कर कृष्ण के लिए भागी। लेकिन कृष्ण को बड़ा ऑफेंस लगा, कृष्ण बोले क्षीर सागर छोड़ के मैं पृथ्वी में अवतार लेके आया हूं, इतने बड़े दूध के सागर को छोड़ के जो आया है उसको छोड़कर वो 2 लीटर दूध के पीछे भाग रहा है, इतना दुस्साहस। कृष्ण क्रोधित होकर गए, मटके को फोड़े, सारा जो है दही को पूरा बहा दिया और फिर कृष्ण भागते हुए चले गए और बंदरों को खिलाने लगे। तब तक यशोदा माई जब आई, कृष्ण ने देखा कि यशोदा माई आ गई, भागने लगे। यशोदा माई पीछे अपने हाथ में डंडा लेके भाग रही थी, तो इसलिए फिर जाकर द्रुत्य गोप्या, फिर यशोदा माई भागे भागे जाकर पकड़ी, पकड़कर उसको उनको डराने लगी। वो कृष्ण मत भयात मातिवातो यम सूर्यस्त प्रति मत भयात, जिनके भय से संपूर्ण ब्रह्मांड कांपता है, यशोदा माई के एक छोटी सी छड़ी के सामने कांपने लगे। फिर यशोदा माई ने उनको बांधने का प्रयास किया, क्योंकि उनको लगा रहे घर के बाकी कार्य बाकी हैं, इसको मैं छोड़ दूंगी तो पता नहीं कहां मुझसे क्रोधित होकर वन में भाग जाएगा। उनको बचाने के लिए उन्होंने उस उखल से बांध दिया और ये भी सोचा कि ये उखल भी एक सहभागी है इस क्राइम में, इसने भी असिस्ट किया है, इसके ऊपर खड़े होकर तो उसने तोड़ा, तो इसलिए इसको भी जो है दंड देना पड़ेगा। तो दोनों को मिलकर बांधने के प्रयत्न में जब वो रस्सी से बांधने लगी तो देखा कि रस्सी 2 उंगली छोटी, फिर रस्सी लेके आई, फिर वो छोटी, फिर वो छोटी, और बाकी सारे गोपियां रस्सियां लेके आ गई, सब जो है उनको सपोर्ट करने लगी कृष्ण को बांधने में। यह है सत्संग, सत्संग यही है कि हम एक दूसरे को कृष्ण को अपने मन में बंधन में लाने के लिए सहायता करें, क्योंकि कृष्ण को अपने मन में बंधन में लाना इतना आसान नहीं। हर वैष्णव की कृपा लगती है, हर वैष्णव का सपोर्ट लगता है, हर वैष्णव जब अपनी माला ठीक से करे तब जाकर हमारी माला ठीक से होगी, तब जाकर यशोदा माई स्व मातु स्विन्न गात्राय विस्तृष्ट कबर स्रज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, परिश्रमम, श्रम अर्थात प्रयास, परिश्रम अर्थात 360 डिग्री प्रयास, अर्थात एक प्रयास विफल हुआ तो दूसरा प्रयास, वो विफल हुआ तीसरा प्रयास, परि श्रमम अर्थात एक प्रयास और दूसरे प्रयास में कोई गैप नहीं, अर्थात साधना में चाहे कितनी विफलता हो प्रयास चलते रहना चाहिए। जब कृष्ण देखते हैं कि बड़े अति प्रयत्नशील ये भक्ति कर रहे हैं कृपयासीत, तब वो कृपा करके बंधन में आने के लिए, तब जाकर यशोदा माई कृष्ण को बंधन में। प्रकार ये दाम बंधन लीला, जैसे मैंने बताया उस दिन जन्माष्टमी राधाष्टमी गौर पूर्णिमा, तो एक एक दिन की एक एक दिन का उत्सव है। दामोदर लीला 1 महीने तक हम लोग इसको मनाते, जिसमें यशोदा माई का गुणगान हो रहा है। जब अपने भक्त का गुणगान कराना हो कृष्ण 1 महीने तक कराते, स्वयं का एक एक दिन में निपटा देते, यह है उनका सौंदर्य। तो चरित्र का वास्तविक सौंदर्य है
कि दूसरों को श्रेय देने की क्षमता, और इसलिए हम लोग इस प्रकार अपने चरित्र को सुंदर बनाने सत्संग में आए। यही है वैष्णव समुदाय का मूल कर्तव्य। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।